बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में अपने सामाईन और नाजरीन की तवज्जो एक ऐसे ख़तरनाक कलाम की तरफ कि जो बलगल उला बी कमालही के नाम से मशहूर सिंगर अली जफर ने गाया, और इसके अंदर जो है कई ऐसे अशआर जिसमें अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर ऐब का जो है वो इशारा किया गया। जैसे उसमें एक शेर है, हवस थी दीद की मेराज का बहाना था, माजल्ला ये हवस ये हिर्स ये तमा ये तो ऐब है, और रब्बे करीम की जात तो जो है वो अयूब से पाक है, रब्बे करीम की जात तो जो है जिसमें जिस्मानियत से पाक है, तो ये कहना कि हवस थी दीद की मेराज का बहाना था, इस पर हुक्म कुफ्र भी लग सकता है। और दूसरी चीज उसके अंदर एक शेर में ये भी है कि फिराक हक भी न सह सका, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, फिराक दूरी हुजूर अली सलाम की, हक यानी रब्बे करीम उसे सह न सका, माज़ल्लाह ये इंसान के मुसलमान के रोंगटे खड़े हो जाएं कि जिस करीम परवरदिगार अल्लाहु अकबर दुनिया के गमों को दूर किया, जो रब्बे करीम माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत फरमाता है, उसके बारे में ये कहना कि फिराक हक भी ना सह सका। और फिर जो है एक शेर, सदमा हिजर खुदा से भी गवारा ना हुआ, अल्लाहु अकबर ये हिजर जो है ये जुदाई को कहते हैं, और जुदाई का माजल्ला सदमा, ये सदमा ये भी अयूब में से है, और अल्लाह तबारक व ताला की मुबारक जात की तरफ ऐब का जो है वो इशारा करना निस्बत करना ये हुक्म कुफ्र की तरफ भी ले जाती है। तो मैं अपने सुन्नी मुसलमानों से और जो जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरा पैगाम जहां तक पहुंच रहा वो इस यूं समझ लीजिए कि उनकी नजर में नात है या कलाम है, तो इस कलाम को फौरन डिलीट करें। और इसके अलावा अगर मेरी आवाज अली जफर सिंगर के पास पहुंचे किसी के जरिए, अल्लाह की जात है वो पहुंचा दे, तो वो भी अल्लाह के हुजूर तौबा करें। और दूसरों को जो लोग फॉरवर्ड करते हैं खुदारा फॉरवर्ड भी ना करें, क्योंकि अगर आपके फॉरवर्ड करने से कोई शख्स ये सुनेगा और माज़अल्लाह उसके दिमाग में ये बात बैठ गई और वो बार बार ये पढ़ता रहा कि हवस थी दीद की, तो बताइए फिर उसके ईमान का क्या होगा। मेरे मोहतरम मुसलमानों, ईमान इंसान का सबसे कीमती चीज है, उसकी हिफाजत करें। रब्बे करीम हम सब की जान माल इज्जत व आबरू बिलखुसूस अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।